भी आएंगे। नहीं नहीं आएंगे आएंगे, क्योंकि कल आखिरी मैच का एडजस्टमेंट था हमारा। और नाना का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे गायत्री की मिसल खिलाई, उस वजह से एनर्जी आई सुबह सुबह मुझे। देखिए नाश्ता तैयार हो चुका है, जिसे खाना है वो खा सकता है। ऑर्गेनाइजर कमेटी देखिए खिलाड़ियों का ख्याल रख रही है। आप जब भी चाहे पानी मांग सकते हो, क्योंकि अप्रैल का महीना है, धूप ज्यादा है। गुलकॉन डीबी अनिल सर, प्रशांत खांडेकर, इनकी बॉलिंग और बैटिंग आज देखने को मौका मिलेगा। गोली की रफ्तार, जिस स्पीड से बुलेट से गोली निकलती है, उस स्पीड से उनके हाथों से गेंद निकलती है बॉलिंग करते समय। चार का पोल है, ये नया पोल है, सी पोल। दो टीम सुपर छह में निकलेगी, विनर वर्सेस विनर, लूजर वर्सेस लूजर, लूजर का विनर, विनर वर्सेस विनर के लूजर के साथ खेलेगा, तब जाके हमें दूसरी टीम मिलेगी इस पोल में से। और विनर वर्सेस विनर का विनर सीधा क्वालिफाई। नाना खरंतर ऑर्गेनाइजर कमिटीचं कौतुक करायला हवं, कारण त्यांनी जे आचारी मागवलेत ना ते उत्तम आहेत। कालचं जेवण, प्रत्येक जेवणारा माणूस खुश झाला, प्रत्येक जेवणारा माणूस खुश झाला, आणि आज तर फ्लॉवर मटर आहे म्हणजे आणखीन खुश। बघा संजय सोलंकी गोलकोंडी, पण काल ते स्वतः प्यायला विसरले, कारण सहा चेंडू आणि सात धावा आणि फुलटॉसला आउट झाले। रात्रभर मला झोप लागली नाही संजय सोलंकी हरल्यामुळे, की फुलटॉस बॉलर असा करिश्मा होऊ कसा शकतो, आणि तोही संजय सोलंकी। नानांकडनं अपेक्षा नव्हत्या षटकाराच्या, मला वैयक्तिक नव्हत्या, पण नानांना कॉन्फिडन्स होता की मारेन। अंकेश तांबडे सांगतात त्यांना सुद्धा अपेक्षा होती नानांकडनं षटकाराची, नव्याची। प्रशांत खांडेकर खेळाडूंची जुळाजुळ करतायत, बघा पुढच्या वर्षी जे अवेलेबल खेळाडू असतील ना त्यांनाच घ्या। उगाच आपण खेळाडूंना घेतो आणि ते जर खेळाडू येत नसतील मग दहा प्लेयर घेऊन खेळले आपले दीपक, त्यांचंही नुकसान झालं। पण विनोद सोलंकी, संजय सोलंकी जरी मास्टर माइंड असला ना, तरी गणपती नवरात्रमध्ये ज्याचं डोकं जास्त चालतं तो विनोद सोलंकी, त्याचा मोठा भाऊ। काका काका पालांडे, बाळा साळुंगे और अंकेश तांबडे का मॅच सुरू होने का इशारा। शैलेश थरकोडे मॅन ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद शॉर्ट स्क्वायर के ऊपर, अच्छी फील्डिंग हुई, एक ही रन मिला, एक रन से खाता खोल चुका है अब किशोर साळुंगे, जेनिथ मॉर्निंग बॉयज। ये जर्नलिस्ट पत्रकार है, लेकिन गुलकोंडी के साथ साथ चार पांच नींबू अगर डालोगे ना पानी में तो और ज्यादा मजा आएगा। चार पांच नींबू डालने चाहिए पानी में। कल नरेश ठोंबरे और संजय सोलंकी एक साथ चाय पीने चले गए, दोनों ने सदमा खाया, एक को 18 में 20 नहीं हुए, एक को 6 में 7 नहीं हुए, दोनों चाय पीने चले गए।
शाम्बो आज हमारे साथ है। शाम्बो एक जबरदस्त खिलाड़ी, कई पारियां उन्होंने खेली है, यंगस्टर्स है, लेकिन शाम्बो के लिए ये मोटिवेशन है। 40 प्लस के खिलाड़ी अप्रैल के महीने में 38 डिग्री सेल्सियस में खेल रहे हैं, ये आपके आप जैसे यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन है। 5 ओवर खेल रहे हैं, ये डॉट जाती हुई गेंद, टोटल वहीं पर रुका हुआ। एक रन किशोर सारंग स्ट्राइकर एंड पर है। काका बालंडा इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। क्या गेंदबाजी हो रही है नाना, तारीफ है काबिल। देखिए मैं सभी टीमों को एक सूचना देना चाहूंगा कि आपके पास अगर थ्रो बॉलर है तो कृपया उसका यूज ना करें। हॉनेस्टली क्रिकेट खेले, हॉनेस्टली आप क्रिकेट खेले, क्योंकि ये 40 प्लस है, ये युवाओं के लिए आदर्श है। जानबूझ के आप इस्तेमाल ही मत कीजिए। हाँ, एक ही वाइड है। किशोर साड़ूंगे, लल्लू कह रहे भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, क्या कर रहे हैं। लल्लू के चेहरे पर टेंशन आता हुआ, छोटा भाई लगभग हार और जीत के कगार पर खड़ा है, बड़ा भाई जीतने की ख्वाहिश में है। एक ही रन आ चुका है। काका पालंडे क्या ओवर कर रहे हैं। किशोर साड़ूंगे स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, ओवर की समाप्ति। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए काका पालंडे के लिए, तालियां होनी चाहिए क्योंकि एक रन वाला ओवर उन्होंने किया। 5 ओवर का यह मैच। अंपायर से मेरी गुजारिश है अंकित सर और बाला साड़ूंगे से, इनको टीम मीटिंग लेने का मौका मत दीजिए। बार बार इकट्ठा होने का मौका मत दीजिए। चलिए दूसरा बॉलर, आपको पता होगा कि कौन सा बॉलर आपको यूज करना है। हाँ, काका बालंडे ऑर्गेनाइजर्स की भूमिका में है आप, बाबू बालंडे और ढोकले साहब, राजू ढोकले, आप ऑर्गेनाइजर में से एक है। आपकी जिम्मेदारी है कि 5 ओवर 20-22 मिनट में खत्म होना जरूरी। चलिए तांडेल का फैन आज शुरू हो चुका है, मेहनत कर रहे हैं तांडेल भी। हाँ, प्लेयर हर प्लेयर के लिए, लाइव के लिए, नाश्ते की और दर्शकों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि दर्शक जो हमारे टूर्नामेंट को सपोर्ट कर ले उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी नाश्ते की सुविधाएं दी जा रही है। बॉलर्स ने प्लीज, बालू पालांडे गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। बालू पालांडे सुबोध भोसले भी है क्या 40 प्लस? तो मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर शैलेश तरगुड़े और ये बीट किया शॉर्ट फाइन लेग को, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन, झुक के फील्डिंग करना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। विनोद सोलंकी कह रहे हैं कि रन आने चाहिए कम से कम 5 ओवर में, 40, 45, 50। कल दो मैच काफी अच्छे हुए, एक टीम ने 41 बचाए तो वसरंग के पिंटिया ने 49 बचाए, लेकिन उसके बाद 85 भी खाए, ये देखना भी जरूरी है आखिरी मैच में। छह रन स्कोर कार्ड के ऊपर, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। किशोर साड़ूंगे ने पहले ओवर में कुछ नहीं किया, ओपन करने के लिए गए थे। 5 डॉट गेंद खेली उन्होंने। हाँ,
धीरे धीरे दर्शकों का तांता यहां पर बढ़ता हुआ। और ये डॉट गेंद आई, किशोर साळुंखे ने आज मन बना लिया है, मैं रन ही नहीं बनाऊंगा, खाली डॉट खेलूंगा। कितनी गेंदें खेली इन्होंने? आठ, सात गेंदें खेली, रन कितने बनाए? जीरो। ये कप्तान है ना इस टीम के? शैलेश कप्तान है क्या? ये फ्रेंचाइजी है जेनिथ मॉर्निंग बॉयज के। मालिक अगर ऐसा काम करेंगे तो उनके बंदे क्या करेंगे? सात गेंदे जीरो। जयेंद्र बाहुबली आज सुबह से आ रहे हैं, उन्हें पता है कल सुबह का कांदा पोहा उन्होंने खाया नहीं था, टेस्टी था, तो आज उसका स्वाद। अरे भाई एक प्लेट में आपका क्या होगा? तो नए बल्लेबाज सतीश पाटिल माजगांव, माजगांव के सतीश पाटिल काफी ओनर खिलाड़ी, अपने जमाने के एक बेहतरीन क्रिकेटर, आज 40 प्लस में अपना जौहर दिखाएंगे। दोस्ती 11 बनाम मल्लार फाइटर, प्रणय लाले की टीम, प्रशांत जी खांडेकर, बाला साळुंखे उस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ दो ओवर के खेल की समाप्ति के बाद सात रन। क्या गेंदबाजी हुई है दो ओवर में मैच सात रन। अविनाश सर यहां पर आ चुके हैं, लेकिन अविनाश पालंडे से मेरी उम्मीद थी कम से कम वो एक छक्का जरूर लगाएंगे, ताकत थी उनमें, क्षमता थी उनमें, लेकिन मुझे निराश किया उन्होंने। हाँ जयेश पाटिल को मेरी ये सूचना है, चाय की चुस्कियां अगर आप लेना चाहेंगे तो चाय तैयार हो चुकी है। आप इकू के अच्छे दोस्त हैं और इकू ने कहा कि हमारे दोस्तों की खातिरदारी करना आपका फर्ज है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे, सात रन, विनोद सोलंकी टेंशन में है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। नए गेंदबाज अप्पा, अप्पा कभी नहीं मारत तो गप्पा, चांगला खेल दाखवने की त्याच्यामध्ये आहे क्षमता। और यह पहली गेंद पे विकेट था अप्पा को, क्या किया अप्पा ने, नहीं शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी ने क्या किया, कैच छोड़ा अप्पा ने, तो अच्छी गेंद डाली थी, विकेट भी था उनके लिए, आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर। किशोर साळुंखे जेनिथ मॉर्निंग बॉयज की फ्रेंचाइजी, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं इन्होंने कुछ नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। ये क्या खेल रहा है, आक्रामक होना चाहिए। सिराज 11 के गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ये लेग स्टंप के बाहर है, वाइट बॉल का इशारा, खराब गेंद डाली थी अप्पा ने। और शैलेश को अब आक्रामक खेलना होगा, शैलेश हालांकि एक ऐसे खिलाड़ी है जो रुकते हैं क्रीज पर ज्यादा देर तक, लेकिन दो ओवर खत्म हो चुके हैं, 18 गेंदों का मैच खेल शेष है, ये ओवर नंबर तीसरा चल रहा है, बैकफुट पर जाके खेलने की कोशिश की थी। दीपक कर्णुक साहब हमारे बीच में है, मैच पे टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन
आपके मैच का क्या हुआ ये भी आपको सोचना चाहिए। ये व्हाइट बॉल और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रशांत खांडेकर जब गेंद उनके हाथों से निकलती है ना तो मानो बुला पिस्तौल से गोली निकलती है। और ये 6 रन शैलेश तरकोड़े ऑन फायर 6 रन स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर ठोक दिए गांडे। आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आदर्श होंगे। हम चले जाएंगे लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमेशा चलता रहेगा। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लक्ष्यम के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल बढ़ता हुआ 17 रन। धीरे धीरे रनों को बढ़ाती हुई टीम, क्योंकि कल हमने देखे दो ऐसे मुकाबले जहाँ पर 41 चेस नहीं हुए 49 चेस नहीं हुए, तो ऐसे में 45-50 रन भी जेनिथ मॉर्निंग बॉयज के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। बैकफुट पे जाके इस गेंद को स्टीयर किया, एक रन जरूर मिला और इसे एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 18 रन। अब हालांकि तीसरा ओवर कर रहे हैं, दोनों ही गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। मैच 7 रन दिए 2 ओवर में, इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं। चांबो हमारे स्कोरर है, कंप्यूटर के जरिए वो स्क्रीन पर स्कोरिंग दिखा रहे, तो हमारे मैनुअल नरेश दलवी ये कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। छोटा बैग है ये लेकिन बहुत बड़ा धमाका है ये। आगे जाके हम मंगेश वाकड़ेकर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि इनकी स्कोरिंग होनी चाहिए आरपीएल जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में। ये सीधा खेला, 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज सतीश पाटिल को और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 22 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। हेमंत पिंगले साहब आ चुके हैं सीआरएफ से रिटायरमेंट लेके। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, चलिए जल्दी मीटिंग मत लीजिए। चौथा बॉलर आपको पता होगा, ऑक्शन के दरमियान 5 ओवर में 5 बॉलर आपको बताए होंगे। हेमंत सर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो हमारे कमेंट्री बॉक्स को शेयर करें। हेमंत पिंगले सर, सीआरएफ में आपने क्या किया? तो मैच की तरफ हम चलेंगे। 1,00,000 रुपए की प्रतियोगिता बेलापुर में आज से शुरू हो रही है, उस प्रतियोगिता में हमें जाना था लेकिन संजय सोलंकी का प्यार और हमारी दोस्ती ये पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे रायगढ़ टेनिस विश्व में मशहूर है। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही जयेश पाटिल ने, नेमकस बोल रहा। क्या गेंद डाली, तारीफ काबिल। अमोल मोरे वहीं पर रुका हुआ टोटल 22। लल्लू सोच रहे कि काश मैं भी जाता तो सिंगल सिंगल बनाता। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, हल्के से मिस फील्ड और ये मिलेंगे 4 और 4 से टोटल बढ़ता हुआ 22 और 4 बनेंगे 26 डीजे। संजय सोलंकी के साथ वरुण विनायक खोपोली में खेल चुके हैं।
अमोल मोरे हमेशा आजकल मैंने देखा यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं संजय सोलंकी। नीरज दाभणे एक और उनकी खोज हो रहा है कि बाएं हाथ के गेंदबाज और ये सिंगल और सिंगल के साथ 27 रन। और पर्णी की शिवा की लीग भी इकू ने जीती ना इकू। ट्वेंटी फोर लाइव इवेंट चाय जरूर होगी अविनाश पालंडे, जरा रुकी है, सब्र का फल मीठा होता है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, क्या मिलेंगे चार एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से गेंद को निकाला, चार के लिए काफी टेक्निकल बल्लेबाजी हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज मासगांव के सतीश पाटिल द्वारा। चार से बढ़ता हुआ टोटल 31 रन। अविनाश जी कांबड़े साहब भी यहां पर आ चुके हैं, कौन सी टीम में है वो 40 प्लस। और ये देखिए क्या खेल रहे हैं सतीश, एक और चार लगातार दूसरी बाउंड्री। तो अविनाश सर भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र पर। कल पिंटर ने बिल्कुल सही जाल बिछाया था संजय सोलंकी के लिए, उनका कैच छोड़ा गया लेकिन 85 रन बनाए रचित 11 ने उनके खिलाफ। प्रशांत खांडेकर का अगला मैच है, चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 37 रन 37 धावा धावल को लागले पानी लेके जाइए। ये ऑर्गेनाइजर कमिटी द्वारा सूचना है, जब भी आपको पानी की जरूरत हो आप पानी मांग सकते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, तापमान सुबह 7 बजे से बढ़ता है। जब मैं 7 बजे घर से निकला था तो मेरा गांव और हाईवे 1 किलोमीटर है, चल के आना पड़ा मुझे, तो मैंने धूप महसूस की सुबह 7 बजे। और पानी में ग्लूकोन डी भी मिलाया है ताकि शरीर में पानी और नमक की कमी ना हो। अन्ना गावड़े जिन्होंने हमें एनर्जी दिया, लेकिन ये जो ट्रॉफियां चमचमाती हुई है नजर आ रही है, संदेश चौधरी, बंटी नलावड़े, भूषण कड़व इनके द्वारा, और मिनरल वाटर हमें दिया है सचिन ठोमरे और दिगंबर पाटिल ने। मैन ऑफ द सीरीज की बाइसिकल हमें दी है विजय सावंत सर ने। टोटल 37। चलिए आखिरी ओवर, आखिरी ओवर है ये, अगला मैच दोस्ती 11 बनाम मल्लार फाइटर। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस ओवर के बाद आपको आना है, बॉलर्स ने प्लीज। समीर प्रबलकर जेनिथ मॉर्निंग बॉयज में वो प्रैक्टिस करते लेकिन आज उनके खिलाफ है। और यह कवर्स में खेला, गेंद हवा में, कितने मिलेंगे, चार या छह रन। फील्डर ऑनेस्टली बोलना चाहिए, कल संजय सोलंकी के 2 रन का नुकसान हुआ, 6 की जगह 4 बोले। तिरतालीस स्कोर कार्ड के ऊपर,
पूरा 5 ओवर खेलने की जो क्षमता है शैलेश में, वो क्षमता उन्होंने दिखाई। चवालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर वाइड बॉल के जरिए 44 बने थे, 48 टोटल आ चुका है 4 की बदौलत। 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 5 ओवर का यह मैच 40+। संजय सोलंकी हमेशा कुछ नया लेके आते हैं, इस साल नाना के साथ और उनके ऑर्गेनाइजर कमेटी के साथ 40+ वो लेकर आए हैं। खोपोली का क्रिकेट है ना, उनके इर्द गिर्द हमेशा घूमता रहता है। करजत खालापुर कई बेनिफिट मैच हुए, लेकिन उनकी कप्तानी में लीड किया उन्होंने, तब खालापुर ज़्यादा परसेंटेज में जीती है। हाल ही में मैंने मनसे टूर्नामेंट में देखा था करजत खालापुर का मैच मयूर पाटिल की कप्तानी में, लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाए वो। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, और उस मैच में मैंने इक्कू के कप्तानी का जिक्र भी किया था कि ये रहते तो क्या होता, क्योंकि राज सावंत जैसे यंगस्टर्स को उन्होंने पीछे रखा करजत प्रीमियर लीग में बेनिफिट मैच में, और उन्होंने 5 में 25 बनाए। अन्ना नहीं खाते गन्ना, ये सामने वाले को खिलाते हैं, और ये छक्का लगाया उन्होंने बाउंड्री के बाहर, और 6 के 7 टोटल बनता हुआ 54 रन। धीरे धीरे अब विनोद सोलंकी को लग रहा है मुझे एक ओवर जरूर मिलेगा रन होने की वजह से। देखिए विनोद सोलंकी का कैलकुलेशन 13, 21, 27, 3 सभी का कैलकुलेशन है उनके पास। वो 3 ओवर का भी मैच खेल सकते हैं, 13 ओवर का भी मैच खेल सकते हैं, 21 ओवर का भी मैच खेल सकते हैं, और 27 ओवर का भी मैच खेल सकते हैं। ये व्हाइट बॉल का इशारा, टोटल आ चुका है 57 रन, एक छक्का आना चाहिए, 60+ हो जाएगी टीम। शैलेश थरगोड़े क्या बल्लेबाजी की इस लौजी के फौजी ने, 15 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी। चांबो जो ऑटोमेटिक स्कोरिंग कर रहे हैं, उनसे पहले ही नरेश तड़वी ने मुझे बताया एक ही रन मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेना चाहिए था दूसरा रन। शैलेश इतना अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें स्ट्राइक पे लेकर आना चाहिए था, लेकिन सतीश भी अच्छा खेल रहा है, दोनों तरफ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। अविनाश सर हमारे साथ है, अविनाश सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जयेंद्र बाहुबली की बल्लेबाजी आपको कैसी लगती है? जबरदस्त क्रिकेट माजगांव के सतीश की, ये 4 रन मिलेंगे और इन 4 से बढ़ता हुआ टोटल 62। मल्लार फाइटर घोड़ी लेके गेंदबाज हमें नजर आएंगे, कटर गेंदबाज सुभाष दुदावड़े। तो चलिए प्रशांत जी खांडेकर आप तैयार है ना, मल्लार फाइटर दोस्ती 11।
चलिए अगले मैच के टॉस की तरफ चलेंगे। संजय सोलंकी के शुरुआत टॉस किया जाएगा। दोस्ती 11 बना मल्लार फाइटर, रन बन चुके हैं 62। चलिए जेनिथ मॉर्निंग बॉयज फील्डिंग के लिए जाइए। बासठ रन बन चुके हैं, 63 की जरूरत। हितेश देखिए, हितेश जिन्होंने 1000 रुपए लगाए विकेट हैट्रिक पर विनोद सोलंकी के, रोकड़ा देने पड़ेंगे हितेश, रोकड़ा देने पड़ेंगे। चैंपो का शायद आज मैच नहीं है। बीपीएल किसने जीता? बोले प्रीमियर लीग। लगता है चैंपो नाराज हो चुके हैं। अरे मैं आता फ्रेंचाइजी कौन है टीम का? मला सांगायला पाहिजे तुम्ही। हाँ, विनोद सोलंकी ने फर्स्ट एड किट हमें दिया है। चलिए अगले मैच का टॉस कीजिए पहले। फ्रेंचाइजी का स्वागत तो होता करेंगे ही हम, ये हमारा फर्ज है। खाने में गुलकोंडी आज मजा आता है। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 5 ओवर में 63 रनों की जरूरत है। श्रीराज इलेवन को, चलिए प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पे जाना जरूरी। टॉस के लिए दोनों कप्तान यहां पर आना जरूरी। दोस्ती बनाम मल्लार फाइटर, टॉस के लिए दोस्ती और मल्लार के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। फील्डिंग लगाइए, बगा टॉस साड़ी या मल्लार फाइटर आड़ी। दोस्ती इलेवन का कर्णधार आला है प्रशांत जी खांडेकर। टॉस साड़ी या पेनल्टी दिली जाईल, कोणालाच माफी केली जाणार नाही, कारण आजचा शेवटचा दिवस आहे लीगचा। वेळेत मॅच सुरू करणं गरजेचं आहे। काल एकूचे 2 बॅटर आले नव्हते, तरी सुद्धा त्यांनी मॅच खेळले। हा, टॉसच्या अगोदर काही तांत्रिक इश्यू असतील ते मिटवासाठी कमिटीला भेटा। चला आपण सामन्याकडे वळूया। 63 धावांची गरज आहे। गोलंदाज सुभाष दुधावडे घोडिवली, घोडिवलीचं एक मोठं नाव आहे क्रिकेटमध्ये। आज अंडर 20 जे घोडिवलीचे खेळाडू खेळत आहेत, खरं तर उद्याचं भविष्य आहे। गोसाई बी, खरं तर त्या पद्धतीने हे खेळत आहेत। बऱ्याच ट्रॉफ्या त्यांनी जिंकल्यात घोडिवली क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये 2 सीझन। हा, घोडिवली गाव फार आपण 10-15 वर्षापूर्वीचा काळ जर पाहिला तर घोडिवलीचे 11 क्रिकेटर आणि बाकी मिक्स प्लेयर। चला टॉस करून घ्या। हा, इतिहास त्यावेळेला जास्त आम्ही खोपोलीमध्ये समालोचन करत होतो, त्यामुळे आम्हाला जास्त माहिती नाहीये। पण चेंडू द्या, चेंडू द्या। कोण जिंकला? मल्लार फाइटर प्रशांत खांडेकर। प्रशांत खांडेकर काय डिसिजन? चेंडू द्या ना, चेंडू द्या, चेंडू द्या। लक्ष आहे आमचं अंकित सर, कृपया आमच्यावर गरम होऊ नका प्लीज।
अंक्या गरम नको तुला बाराला गरम करू बासठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 63 की जरूरत है। 5 ओवर का ये मैच है। तमाम दर्शकों का मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा। अगला मैच होगा दोस्ती बनाम मल्लार फाइटर। मल्लार फाइटर प्रशांत जी खांडेकर, इन्होंने टॉस जीता है। प्रणाल लाले और प्रवीण देशमुख जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है। गेंदबाज घोड़ी लेके, ये बंदा एक जमाने में 11 घोड़ी लेके खिलाड़ी और पूरी खोपोली एक तरफ, ऐसे मैचेस होते रहते थे। रिवर्स मारने की कोशिश, पहली गेंद पर खराब फील्डिंग हुई है। आपके पास रन ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब फील्डिंग कर सकते हो। 4 रन मिलेंगे। के तौर पर ये 4 मिले और इन 4 से खाता खुल चुका है। 63 की जरूरत थी, अब 59 की जरूरत है। 29 गेंदों में 29 में 59 की जरूरत। खूबसूरत यहाँ पे ये नजारा है, सामने पेड़ खोपोली हाईवे। घोड़ूली का वो क्रिकेट, वो जमाना कुछ अलग ही था। जिस गांव के 11 खिलाड़ी जब खेलते थे, उन्हें परास करने के लिए लोनावला मावल से खिलाड़ी मंगाए जाते थे खोपोली विभाग में। वो जमाना कुछ अलग था। लेकिन आज जो घोड़ूली अंडर 22 टीम खेल रही है ना, वो मुझे उस जमाने की याद दिला रहा है। फील्डिंग करने का फैसला किया प्रशांत जी खांडेकर और उनकी टीम ने। 1000 रुपए का इनाम है इतेश सोलंकी, इनकी तरफ से विनोद सोलंकी को, और हर विकेट के लिए 100 का इनाम। कैच के लिए भी 100 का इनाम है और मैडन ओवर के लिए 3000। और यह विकेट मिलता हुआ यहां पर पहला झटका मिला गेंदबाज, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है घोड़ीली क्रिकेट उस जमाने में क्या था। सुभाष दुधावड़े ठोक डीजे डांडेल। एक अलग अंदाज होता है, तुषार धुमाल जब आते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है, हवाएं बहती रहती है, माहौल ऐसा गर्म होता है कि मानो भूचाल आ चुका हो। लेकिन आज बिल्कुल शांत है हमारे। गेम चेंजर, नींद पूरी नहीं हुई। आठ बजे संजय सोलंकी का 7:45 बजे मुझे फोन आता है, ये सोने ही नहीं देते। हाँ बर्थडे बॉय है जाम्बो, बैटिंग अच्छी करते हैं लेकिन बर्थडे उन्होंने अच्छा नहीं मनाया। बैटिंग बहुत अच्छी करती है, उनके कई क्लिप्स मैंने देखे हैं। 64 रनों की उनकी पारी भी देखी है मैंने, 5 छक्के उनके द्वारा लगाए गए भी मैंने देखे हैं। व्यावसायिक क्षमता है इनमें। आईपीएल में संजय सोलंकी अगर इस बार आपको कप्तानी करने का मौका मिले तो उन्हें मौका दीजिए आपकी टीम में। नहीं नहीं नहीं, आपको देना चाहिए। बैटर नेम प्लीज सुरेश। और आते ही उन्होंने 6 लगाया, 6 फुल टॉस, लोअर फुल टॉस थी सुभाष दुधावड़े की। अविनाश पालंडे जैसे ही हमारे साथ चेयर में बैठे थे, सुभाष दुधावड़े काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। जैसे वो उठे फुल टॉस आई, 6 आया।
मन में ये विचार आया, हेलो नाना, और आपके मन में तो काफी लोगों ने आपको साथ भी दिया, कैसा लग रहा है 40 प्लस इस लीग को ऑर्गेनाइज करते हुए? शुरुआत में तो थोड़ी कठिनाई आई, लेकिन हमारे साथ यही जो लीग हमें जो करनी थी यहाँ पर नहीं करनी थी, यहाँ एक्चुअली ये लीग होने वाली थी वहाँ पे नंदनपाड़ा और खानाव के मैदान पर, किसी रीज़न के वजह से वहाँ पे हो नहीं पाई और ये लीग यहाँ पे हुई। तो थोड़ी मेहनत की हमने और कठिनाई भी आई, लेकिन साथ हमारा थोड़ा अच्छा था 40 प्लस वालों का, तो सभी ने मिलके हमने मेहनत की और इस लीग को सक्सेस के दौर पे हम चल रहे हैं। डोनस के बारे में आप क्या कहेंगे? कल विजय जी सावंत आए, उन्होंने आपको मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइसिकल दी, संदेश चौधरी, बंटी नलावड़े, भूषण कड़व, इनके द्वारा आपको ट्रॉफियां मिली, पानी मिला ठोमरे और दिगंबर पाटिल द्वारा। ऐसे डोनर्स जब आपको मिलते हैं तो क्या, जब इकोनॉमिकल पावर आपके पास हो तो टूर्नामेंट काफी अच्छा जाता है। कल हमने देखा सुबह के सत्र में काफी अच्छा नाश्ता, आज भी देखा हमने दोपहर के सत्र में अच्छा खाना आपके द्वारा खिलाया गया इन खिलाड़ियों को। सही बात बोल रहे हो आप प्रवीण जी, डोनर्स ना होते तो टूर्नामेंट का होना सफल नहीं होता, क्योंकि सभी चीज़ों में पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा देने वाला डोनर्स रहे तो ही तुम्हें वो टूर्नामेंट सक्सेस की ओर दिखाई देती है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा ना तो खुदा से बड़ा है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। टीम का टोटल 17 रन पहले ओवर में, सुभाष दुधावड़े के इस पहले ओवर में 17 रन हासिल किए हैं, सामने वाली टीम ने 63 रन हम चेस कर सकते हैं इसका अंदाजा दिखाया। जब फुल टॉस पे आप आउट हुए, 5-6 पे 7 था, आप फुल टॉस पे आउट हुए, तब आपको क्या लगा बाकी खिलाड़ी उस मैच को निकाल पाएंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैच कोई एक से ही जीतता नहीं है, 11 प्लेयर से टीम की जीत होती है। मुझे ऐसा लगा हमारे नीचे बैट्समैन थे, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी होता है, आपको भी पता है, कभी कभी 3 बॉल 1 रन भी नहीं होता, 6 बॉल 2 रन भी नहीं होते, तो मैच है, मैच में उतना होता रहता है, लेकिन उसी हार का अपन सही मायने से उसकी सीख लेनी चाहिए और आगे के मैच के लिए कोशिश करनी है, जीतने की कोशिश करनी है। संजय सोलंकी, आज आप 40 प्लस हो चुके हैं, 40 प्लस क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आपका जमाना था रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर, आपने कई बाजियां जीती, यूके टाइगर ट्रॉफी हो या फिर शिरोमणि की रबल बॉल टूर्नामेंट हो या फिर RPL सीजन 1 हो, ऐसी बड़ी उपलब्धियां जब आपने जीती, उम्र के इस पड़ाव में आकर आप अगर पिछला आप क्रिकेट देखते हैं आपकी आंखों से, तो आपको क्या लगता है कि और ज्यादा अचीवमेंट आपके जीवन में होनी चाहिए थी, या जो अचीव किया आपने उससे आप बिल्कुल खुश हैं? नहीं, जो अचीव किया उससे तो खुश हूँ, लेकिन सही मायने में देखा जाए प्रवीण जी, कभी आप पहले ही यूट्यूब आता था और जो अभी जो मैचेस चालू है, जैसे ISPL जैसे एक प्लेटफॉर्म मिला है अभी टेनिस क्रिकेटरों को, जिससे बहुत जन कहने के टेनिस क्रिकेट खेल के कुछ होता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने सामने का उदाहरण लिया करण अंबाला, जो अभी एक साल में मेरे ख्याल से नहीं बोलता तो भी उनकी क्रिकेट की इनकम 60 से 70 लाख के ऊपर है, क्योंकि मेंटर अभी 27 लाख तो उनको फिक्स रहेगा ISPL में, तो ये भी एक सीख लेनी चाहिए। और जो अभी यंगस्टर है उन्हें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा जिम, थोड़ा फिटनेस और थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में बहुत पैसा है प्रवीण जी। टेनिस क्रिकेट में पैसा है, बिल्कुल सही कहा आपने, ISPL का उदाहरण दिया, रजत मुंडे जैसे खिलाड़ी रायगढ़ के जिन्हें 7.5 लाख की बोली मिली, सुनील चावड़ी जो बेस्ट प्राइज में गए 3 लाख के, ये 4 रन आए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, लेकिन आपने कहा फिटनेस बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यंगस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर जी, बिहेवियर तो आपका जब अच्छा हो तभी आप ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे, नहीं तो 1 और 2 साल में आप जितना उसी साल खेलते हो उसी दिन उसी साल में आप अच्छे रहोगे, लेकिन नेक्स्ट डे में जब आप 1-2 मैच नहीं खेलोगे तो सामने वाला भी आपको बुलाएगा नहीं, इसलिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बिहेवियर अच्छा चाहिए तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेल सकोगे। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि चैम्बो जैसे यंगस्टर हमारे साथ हैं कैमरामैन स्कोरर की भूमिका में, यंगस्टर है, पोटेंशियल है उनमें, और तो जो क्रिकेट आपने बोलना खेला है, चैम्बो अच्छा बैटिंग क्यों करने लगा, हर जगह वो लाइव करने जाता है और उसे हर बॉलर अभी पता चल रहा है कि कौन कैसे डालते हैं, और मोस्टली देखने जाए तो लाइव में देखता भी रायगढ़ के कोई गोलंदाज कैसे बॉलिंग डालते हैं या बाहर के भी। निश्चित तौर पर हाल ही में नासिक में गए थे वो खेलने के लिए, वहां पर भी जीते, सेमीफाइनल और फाइनल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और ज्यादा बैटिंग अच्छा करेंगे क्योंकि उन्होंने भी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, पोटेंशियल है उनमें भी, उनके उनके पोटेंशियल संदेश पाटिल किधर, तो उन्हें थोड़ा सा पीछे प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। मैच की तरफ हम चलेंगे, टोटल आ चुका है, हम हमारा कमेंट्री कर रहे हैं 21
21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। संजय सोलंकी से हम बातें शेयर कर रहे हैं। ये लंबा 21 और 6 बनेंगे 27 और ये छक्का लगाया बल्लेबाज राजू ढोकले। राजू ढोकले ढोकले ने बहुत ही बेहतरीन 63 रनों का पीछा करते हुए अगर 8 गेंदों में अगर 27 रन बनाए तो ये 63 रनों का पीछा हो सकता है। संजय सोलंकी यूके टाइगर ट्रॉफी जब पहली बार आपने जीती रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट होती रहती है, होती थी यूके टाइगर ट्रॉफी में, तो आपने एक मैच में देखिए 33 की जरूरत थी अपोजिशंस को। आपने छठा ओवर दिया था पहले मैच में नरेश ठोमरे को और शिवविक को पांचवा दिया था, लेकिन जब बातें की मैंने और पंकज यादव ने, हम स्टेज पे थे, मैंने कहा आप ये पांचवा ओवर नरेश ठोमरे को देंगे, क्या वो प्लानिंग थी आपकी? 33 बचाने थे आपको और अपने अपने प्रमुख अस्त्र को निकाला था पांचवी ओवर के लिए। सही बात बोल रहे हो आप प्रवीण जी, तभी क्योंकि वहाँ पे सीमेंट विकेट था, सीमेंट विकेट पे नरेश ठोमरे का जो स्पीड था उस स्पीड की वजह से हमें मैच थोड़ा दूर लेके जाना था, इसीलिए नरेश ठोमरे को हमें लास्ट में यूज नहीं करते, वही पांचवे मैच जो मैच विनिंग वाला ओवर था वो उन्हें दिया, विनिंग वाला ओवर दिया, लेकिन शुरू वीक ने भी आपके दिल की धड़कने बढ़ाई थी आखिरी ओवर में 30 की जरूरत होने के बावजूद। ये 4 रन आए 63 का पीछा करते हुए, 4 से बढ़ता हुआ टोटल 32। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी चालू है सुरेश गायकवाड़ और राजू ढोकले की ओर से। देखिए ये जो 63 रनों का पीछा करना है, कल आपको 49 नहीं हुए, 6-7 नहीं हुए, ये तो पार्ट ऑफ गेम, इसे मैं, हर जीत तो होती रहती है, खेल खेलना जरूरी है, लेकिन नाना से आपकी अपेक्षा थी क्या वो छक्का लगाएंगे? नाना से अपेक्षा नहीं थी, लेकिन इतनी साल में वो क्रिकेट है खेल रहे वही बड़ी बात है, इतना साल क्रिकेट खेलना इजी नहीं है प्रवीण जी, हम कहते कि आदमी ने रिटायर होना चाहिए, लेकिन वो आदमी कभी सोचता रहेगा मैं अपना क्रिकेट जीतने के लिए नहीं, मैं अपने खुद के लिए। देखिए उम्र महज एक नंबर होता है, अगर आपका दिल जमा होना तो आप उम्र के किसी भी साल तक कोई भी खेल खेल सकते हो। यही यंगस्टर ने सीखना चाहिए, ना कि उनके उनकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उनकी पीछे से नहीं क्या ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये क्यों जाते हैं। 40+ क्रिकेट जो चल रहा है, 40+ क्रिकेट जो खेल रहे, उन्होंने अपने जमाने में कुछ किया होगा इसीलिए वो आज खेल रहे हैं। टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 63 का पीछा करते हुए 33-18 गेंदे और 30 की दूरी, 18 गेंदे और 30 की दूरी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हुई है, 33 रन बने हैं 16.5 की औसत से, तो बढ़िया बल्लेबाजी हुई है संजय सर, यकीन मानिए। प्रमुख बैट्समैन को आउट करने के बाद भी अमोल मोरे जैसे, देखिए आपने कई ट्रॉफियां जीती उसमें से सुप्रीमो भी शामिल है, एक बतौर कप्तान आपका कोई तोड़ नहीं है पूरे रायगढ़ में, जो खिलाड़ी मिले उसे लेकर खेलना और उनसे जीतना, अगर यंगस्टर कोई कप्तान सीखना चाहे तो आपसे सीख सकता है, लेकिन रबर बॉल शिरोमणि ट्रॉफी की कुछ यादें अगर आप बताएंगे जो आपने जीती थी रायगढ़ के लिए आपकी कप्तानी में। वो तो बहुत ही बढ़िया प्रवीण जी, मराठी सांगतो मी जरा, कारण की हिंदी माझा जरा थोडा कच्चा आहे, तुमच्या का चांगलं नाही आहे। आम्ही जेव्हा शिरवणीची ट्रॉफी केली तेव्हा आम्ही ती 7-8 प्लेयरच होतो, 7-8 प्लेयर होतो, तर निलेश परदेशाने आमचं असं म्हणणं आलं की आता काय होणार काय नाही का, तर आम्ही 2-3 प्लेयरांना फोन केले, ते बाहेर होते, तर आम्ही जस्ट असे 8-9 जण खेळलो आणि दोघं तिघं जण तिकडचेच उभे केले, आम्ही बोललो काय होईल, ते रबर बॉल आहे का, रबर बॉलला काय 6-7 बॅट्समॅन लागत नाही, आपला एका दुसरा बॅट्समॅन लागला तरी तो अख्खी मॅच जिंकून जातो, का रबर बॉलला विकेट जास्त पडत नाही, तर त्या हिशेबाने केलो आणि जे काय होईल ते तसे काय, आमच्यात गोलंदाज चांगले होते, अंकुर होता मोठ्या होता तेव्हा, त्या बोललो 4 ओवर तर त्यांच्या असते फक्त करायची बॅटिंग, त्या हिशेबाने खेळलो आणि आमच्या तेव्हा आपला चांगल्या टीम होत्या, सुमित ढेकलेसारखी होती, बरेच चांगले दिग्गज प्लेअर होते, तरी पण आपलं म्हणजे पहिलं असणं आमचं क्रिकेट हेच आहे की आम्ही समोर कुठलीही टीम असले तरी आपण फक्त खेळत राहा, जो रिझल्ट काय होईल ते पुढे बघू आपण। संजय सोलंकी ये तो शिरोमणि की यादें हैं, लेकिन आनंदवाड़ी में आप जब गए थे, आप जिस टीम के साथ गए थे उस टीम में आपको खेलने का मौका नहीं मिला, दूसरी टीम में आपको मौका मिला और मैन ऑफ द सीरीज की बाइक आपने जीती, क्या वो गुस्सा उतारा आपने गेंदबाजों के ऊपर? नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता, क्रिकेट है पार्ट ऑफ गेम है, आपको बाहर भी बैठना पड़ता है, आप बोलेंगे नहीं मैं सभी मैच खेलूंगा, ये बात हम मैच के बाद बोलते हैं, बहुत ही बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी। चलो किशोर जी साळुंखे अगले गेंदबाज, माइक पे बताना होगा, लेकिन माइक पे बताएंगे। 18 गेंदे 30 की दूरी, 18 बॉल 30 धावा पाहिजेत, 18 गेंदे 30 की दूरी,
यहाँ पे किशोर साळुंके बैटिंग में तो कुछ नहीं कर पाए, अब गेंदबाजी में उन्हें कुछ करना होगा। सात गेंदें इन्होंने खेली, अच्छी बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी करते हैं बॉलिंग में। मैं तुम्हें आप कहता हूँ प्रवीण जी, इनकी बैटिंग नहीं इतनी अच्छी लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं। बैटिंग इतनी अच्छी नहीं तो ओपन करने क्यों गए? नहीं वो क्या करने गए, सिंगल डबल डकल लेंगे, ठीक है पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन उन्होंने आपसे वादा किया था दो तीन छक्के वो जरूर लगाएंगे। सर वो तो कैसे उम्र के हिसाब से आदमी, उम्र के हिसाब से आदमी बोलता है, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस रहता है वो किसी का। और क्रिकेट है आपको ही पता है। हाँ क्रिकेट में मैंने कई खिलाड़ी बनते और बिगड़ते हुए देखे है। फुल टॉस किया था किशोर ने, इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला, सीधा मिड विकेट क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिला और इसे एक से बढ़ता हुआ टोटल 18-30 का जो समीकरण था 35 पे आ चुका है। बहुत ही बढ़िया पीछा करते हुए 28 रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। यहाँ पे कभी भी मैच बनता और बिगड़ता हमने देखा है। हाँ कल दो मैचेस हमने ऐसे ही देखे, कवर्स में खेला है, गेंद हवा में और ये लेना चाहिए था ये कैच, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। गेंदबाजी तो काफी अच्छी हो रही है क्योंकि तीन गेंदों में मैच, तीन सिंगल उन्होंने दिए हैं, 27 की जरूरत है 15 गेंदों में। जिन बल्लेबाजों ने पहले दो ओवर में बढ़िया किया बैटिंग की थी उन्हीं बैट्समैन को रोक रहे हैं। हाँ ये तो जरूर है क्योंकि इन दोनों को अब सेट हो चुके हैं, गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, ऐसे में इनको रोकना जरूरी है। और ये चार मिलेंगे, चार 27 की जरूरत थी 15 गेंदों में, अब 14 गेंदें 23 रन, 14 में 23 की जरूरत है। कंपलसरी चेस रहेगा। हाँ ये तो बात सही है, कंपलसरी चेस। वायर का भी बताइए, वायर इलेक्ट्रिकल जो रीस में आपको धोखा दे बैठी। नहीं वो तो हमने सबके लिए, अभी आपके नसीब के ऊपर है वो। लंबा छक्का था संजय सोलंकी का, जीत जाते थे मैच हम, जीत जाते थे और वायर ने धोखा दिया। बहुत साल पुराना किस्सा ही है। आरसी सीरीज की टूर्नामेंट 14 बॉल 23 धावन की आवश्यकता जिंकने साठी चांगली बैटिंग करता है राजू ढोकले आणि सुरेश गायकवाड। संजय सोलंकी, कई क्रिकेटर्स से मैंने बात की, जब ज्यादा अंधेरा होता है तो संजय सोलंकी को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती है, ये क्यों होता है? क्योंकि अंधेरे में गेंद बाकी लोगों को नजर नहीं आती। और सुप्रीमो में मैंने कई बार आपको फील्डिंग के दौरान देखा है जहाँ लाइट्स कम, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। ये देखिए 6 आ चुका है, 23 की जरूरत थी अब 17 की जरूरत है, गेंदे बची है 13 और 17 का समीकरण है। सुप्रीमो में भी मैंने आपको देखा है कि जहाँ पे लाइट्स कम बाउंड्री के नजदीक वहां पे आप फील्डिंग करते हुए नजर आए, और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने आपको देखा आपने एक भी कैच नहीं छोड़ा। पहले तो हम बताएं, जब मैं प्रमोद देसाई की टीम में जब गया था डोंबिवली खेलने के लिए, तब तो हमारी 7-7 पर मैच लगता था, अभी बोर करोगे हम लोग था। जब टॉस जीता हम लोग ने एक ओवर की मैच थी, उन्होंने हेलोजन लगाए थे, ये सब कह रहे थे फील्डिंग, मतलब बैटिंग करेंगे बैट्समैन को बॉल दिखता है फील्डर को बॉल दिखता नहीं है, तो वो टेंडेंसी के हिसाब से हम लोग ने बैटिंग की और बैटिंग में हम लोग ने कुछ 10 रन मारे, उन लोगों का 2 रन भी नहीं हुए। मैंने बोला था कि बॉल बैट्समैन को हमेशा दिखता है, फील्डर को दिखता नहीं है बॉल रात के समय। देखिए आपको जो सफलता मिली, बंटी पिंडारी आपके साथ थे, उदय कोलंबे आपके साथ थे, आपका मुख्य अस्त्र नरेश ठोंबरे आपके साथ था, रायगढ़ एक्सप्रेस का तमगा हासिल किए हुए। चलो मैच के और देखते मैच की तरफ अगर हम देखेंगे, लेकिन टोटल आ चुका है, पकड़ो कैच और जीतो मैच। हाँ ये तो सही है क्योंकि छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। मेरे ख्याल से कप्तान ने बोले गेंदबाजी कहनी चाहिए अभी, जो विनोद सोलंकी है, अतुल शास ने जो आज हमारे बीच नहीं रहे वो भी आपके साथ थे, इन चारों को आप कितना क्रेडिट देंगे आपकी सफलता में? ना उनको तो क्रेडिट देना ही चाहिए क्योंकि वो थे तो हम लोग जीते, बहुत ही उसके साथ एक कुंदन वागोले भी थे, राजू ओवाल थे, अविनाश पालांडे थे हमारे साथ में जो बैठे, बहुत से ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे पहले तो अच्छा बैटिंग और बॉलिंग करने के। 12 गेंदें 16 की जरूरत है, यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम हावी है 63 का पीछा करते हुए। अतुल शास ने क्या आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग की, अगर कुछ यादें आपके पास हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं बहुत ही बढ़िया कीपिंग करने के, मेरे करीबी एकदम दोस्त थे और हम लोग साथ से स्कूल में खेल रहे थे, वो तो मेरे सीनियर थे और मेरे कैप्टन भी थे। सिर्फ प्रवीण जी आपको पता है ना कि जो कैप्टन करता है उनका ही नाम होता है, जो अच्छे खेलते हैं उनका भी नाम होता नहीं, बट लेकिन मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हो खेलने के। अतुल शास ने की एक इनिंग मुझे याद है कर्नाला स्पोर्ट्स में, जब नरेश ठोंबरे के ऊपर अमोल सिल्वन में 3 छक्के लगाए थे लगातार, एक मिड विकेट और तीसरा आप ऊपर आए, वरना वो लॉन्ग ऑफ पिक कैच होता। सही बात बोला आपने, लेकिन आप मैच की ओर जाते हैं, मैच में गोलंदाज गेंदबाजी करने आए थे विनोद सोलंकी, विनोद सोलंकी इक्कू की तरफ से हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम, 2000
लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आप, बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेश यादव, लगाइए यहाँ पे पैसा लाना पड़ेगा। इतेश सोलंकी 2500, देखिए 2500 पॉइंट्स में, 2500 पॉइंट्स में ये खरीदा जा चुका खिलाड़ी है। 12-16 बॉल, लल्लू क्या बनाएंगे बल्लेबाज को, उल्लू जो कोई भी चेंडू 16 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी, चांगली अशी पहिली मॅच रंगलेली आहे। मॉर्निंग बॉयज आणि श्रीराज 11। ये देखिए ये पहली गेंद हवा में थी, स्लो ओवर में लेग स्पिन करने की कोशिश, दूसरा रन जरूर मिला, 12-16 का समीकरण था। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इन दोनों बल्लेबाजों की, राजू और सुरेश, सुरेश गायकवाड़ और राजू ढोकले, राजू ढोकले खेल रहे हैं अपने निजी 23 के योगदान पर, तो सुरेश खेल रहे हैं अपने निजी 17 के योगदान पर। दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई है। उम्र के अब 45 साल में रह गए राजू ढोकले, फिर भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा आपको, उम्र मैच एक नंबर होता है, दिल आपका अगर जमा हो, आपके पास फिटनेस हो, आप अगर बरकरार रखते हो आपकी फिटनेस, तो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान उम्र के 60 के करीब आने के बावजूद भी आज बॉलीवुड के स्टार हैं। स्टार है, बराबर है। और ये देखिए लल्लू, जो कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, लेकिन उन्होंने उल्लू बनाया। गेंद काउंट नहीं हो गया, लेकिन गेंद काउंट नहीं होगी, 100 रुपए का इनाम हितेश सोलंकी द्वारा। चलिए रोकड़ा लेके आइए यहाँ पे, पार्ट ऑफ गेम है। विनोद सोलंकी की कलर पास, कलर पास, प्रफुल्ल ये हमारे कोडवर्ड है चांबो, विनोद और मेरे एक ही ऑफिस के दो खिलाड़ी हम, ये तो आर अश्विन बन गए। बिल्कुल आर अश्विन बने, क्या विकेट निकाला इन्होंने। अंकेश तांबड़े भी, उनके दिमाग को मानना पड़ेगा, अंकेश तांबड़े भी मान गए लल्लू के दिमाग को, उल्लू बनाया उन्होंने। चलिए कितनी गेंदे कितनी रन चाहिए, वैसा जो काम है 11 में 11 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता, 14 धावांची आवश्यकता, 11 गेंदे 14 की जरूरत है। राजेजी ढोकळे जरे पहिले बॉलिंगला आले असते मला वाटतं धावा रोखल्या असत्या, परंतु आत्मविश्वास थोडा कुठेतरी कमी दिसतो त्यांचा म्हणून उशिरा आले। हाँ ये बात तो सही है, ये 12th मैन बन के आते थे सुप्रीमो में, और वहां से इन्होंने कमेंट्री की शुरुआत भी की, 12th मैन बन के आते थे हमेशा वरद विनायक खोपोली के। ये नहीं चलेगा, ये खराब गेंद है, आज फरक असतो मैच आणि प्रैक्टिस मध्ये, प्रैक्टिस ला तुम्ही वागा सारखे करता, वागा सारखे, पण मैच से टेंशन आलं की आपोआप बकरी व्हायला वेळ लागत नाही। म्हणून मी बोलतो की जे आपण जे विकेट घेतो म्हणजे एकदा वॉर्निंग द्या बॅट्समॅनला, वॉर्निंग द्या तुम्ही बॅट्समॅनला, वॉर्निंग द्या बॅट्समॅनने ऐकलं नाही तर दुसऱ्यांदा विकेट घ्या, म्हणजे क्रिकेटचा नियम आहे, क्रिकेटची आपण थोडा एकनिष्ठ राहिलो पाहिजे। मॅचचा मॅचचं हे ठीक आहे, मॅचचा आपण मॅच प्रमाणे विकेट घेतले। ये बात तो सही कही आपने संजय, ये देखिए स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, पहले गेंदबाजी के लिए आते तो रन रोकते थे मुझे ऐसा लगता है प्रवीण जी, रन रोकते जरूर थे, लेकिन ये अब मैच उनके हाथों से लगभग ऐसा लग रहा है निकलता जा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता प्रवीण जी, कुछ भी होता है यहाँ पे आपने कल देखा है, कल देखा है, लेकिन मैच मेरे ख्याल से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी मैचेस मैंने देखी है, काफी मैचेस दर्शक मन के देखी है, काफी मैचेस में मैंने कमेंट्री की है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से देखिए बॉल पर रन देखिए, इनका बॉलर अगर चौथा बॉलर विनोद सोलंकी है, ये कमजोर कड़ी मुझे नजर आ रही है। नहीं नहीं सही है प्रवीण जी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करते, 8 गेंदे 8 रन, रन अ बॉल, 8 बॉल 8 रन, रन अ बॉल, ये इक्वेशन आ चुका है, तारीफ काबिल राजू ढोकले और जैसे गेंदबाज इनके इनके पास है, और सात बॉल सात रन, देखिए मैच रन बॉल आ चुका है, ये अगर डॉट गेंद निकालेंगे तो कल का मैच होगा आपका 6-7 का। सतीश पाटिल भी अच्छी डालते हैं, बढ़िया बढ़िया गेंदबाज है इनमें। चलो पहला ही मैच, अच्छा हाई स्कोरिंग मैच, और ये वाइट बॉल
साथ में छह की जरूरत। ये तेज डाला और तेज खाया चार रन। विनोद सोलंकी उल्लू तो जरूर बनाया उन्होंने बल्लेबाज को मंकड़ विकेट लेके, लेकिन उनको भी उल्लू बनाया, कोई तो मिला आज की तारीख में लल्लू को उल्लू बनाने वाला। आखिरी छह गेंदे और जीत के लिए दो रनों की जरूरत। चलिए प्रशांत खांडेकर आपकी टीम को तैयार रखिए, सुनील तैयार रखिए, आपके द्वारा फील्डिंग करने का फैसला किया जा चुका है, तुरंत आपको अंदर जाना है क्योंकि आज मैचेस बहुत ज्यादा है और आखिरी दिन है श्रृंखला का, 12 मैच है इस पोल के पांच और सुपर सिक्स के पांच और सेमीफाइनल फाइनल और कल के दो 14। पांच पांच दस, कल के दो 12 और सेमीफाइनल और फाइनल। हाँ सुपर सिक्स में ही वो आ चुके हैं तो नरेश का कैलकुलेशन मुझसे ज्यादा अच्छा है। आखिरी छह गेंदे और दो रन, क्या बल्लेबाजी की है 63 रनों का पीछा करते हुए, 63 को पहले मैच में चेस होते हुए हम देख रहे हैं श्रीराज इलेवन की तरफ से। लेकिन बस तो इक्कू से हमने कई बातें शेयर की, आनंदवाड़ी के बाइक का क्वेश्चन वो छोड़ के गए, वो जरूर बातें हम उनसे पूछेंगे अगले मैच के दौरान। आनंदवाड़ी में जब उन्हें बाइक मिली थी उनके लाइव क्लिप्स मैंने देखे थे, घुटना टेक कर उन्होंने जो छक्के लगाए थे। इनके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाज थे और तो रतन केदारी थे, सतीश पाटिल थे, अगले मैच में इनका उपयोग होगा, हार नहीं माननी चाहिए इन्होंने, मिलेगी मिलेगी, एक ही मैच में सब मिलना चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो यूजफुल है उनका उपयोग होना जरूरी है। हाँ 63 रन बहुत हो गए थे वैसे देखने जाए तो, मैच विनिंग टोटल था है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, खासकर राजू जी ढोकले और सूरज जी गायकवाड़ इन्होंने, और हमारे सचिन अंपायर भी आ चुके हैं, उनका भी बॉलर्स नेम जरूर स्वागत करेंगे। मधुकर देखिए मधुकर क्या कर रहे, 6 बॉल 2 में। हाँ पहली तो डॉट है, मजा आएगा 5 में तो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सतीश पाटिल को पता है मासगांव के कैरे के खिलाफ 7 गेंदों में 1 रन निकाला नहीं था इन्होंने। चलिए अगले मैच होने वाले जय मल्लार फाइटर्स, अपनी सेना लेके रेडी रहिए मल्लार फाइटर। एज लगा, सिंगल निकाला, स्कोर इज लेवल, 4 गेंदे और 1 रन। देखिए काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई है, दोस्ती 11 और मल्लार फाइटर राजू से थोड़ा मिलना, टेक्निकल इश्यू के लिए। चार गेंदे 1 रन और देखिए ये विकेट, ये विकेट मिला है 3 पे 1, मैच है मैच। क्या कैच पकड़ा है, कैच ऑफ द डे किशोर सांगे, थोड़े बल्लेबाजी में देखिए उन्होंने चेहरा नहीं कर लिया, लेकिन होता है क्रिकेट में, होता है। 7 गेंदे उन्होंने खेले, अगर सिंगल्स भी निकालते 4-5 रन प्रवीण जी, कभी कभी होता है प्रवीण जी, क्रिकेट है बट चेहरा करते रहना चाहिए, चेहरा तो करते ही रहना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। आखिरी गेंदे बची है, 3 और 1 की जरूरत है। चलिए बढ़िया गेंदबाजी कर रही है मधुकर, खोपोली के है ये, खोपोली एक्सप्रेस की। देखिए देखिए कैच जैसे ही पकड़ा किशोर जी सालों की आवाज आ रहा है, यही चाहिए था पहले से। 3 गेंदों में 1 रन, इक्कू अगर ये गेंद डॉट आए ना तो और ज्यादा मजा आएगा। ये गेंद डॉट आई तो अगले गेंद में विकेट होगा, ये आप पकड़ लेना। तो नहीं बल्लेबाज, लेकिन 3 गेंद 1 रन चाहिए, अच्छी बैटिंग करते मैच फिनिश कर देंगे, ई बॉल में बढ़िया बैटिंग करते। और ये देखिए गेंद हवा में है, अरे ये रन पूरा हो चुका है, रन पूरा हो चुका और इस मैच को जीता। सराहना करनी चाहिए उस फील्डर की, सुभाष जी
सुभाष उधावड़े की तारीफ करनी होगी। अंतिम क्षणों में उन्होंने उस कैच को लेने की कोशिश की, लेकिन गेंदबाजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया सतीश जैसे गेंदबाज का, और आपने एक और गेंदबाज का नाम लिया था रतन केदारी। बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे लेकिन बैटिंग तो आई नहीं उन्हें, दोनों ही बैट्समैन ने बैटिंग अच्छी की जो शैलेश और इन्होंने। चलिए प्रशांत जी खांडेकर आप टीम को लेकर मैदान पे उतरी है, मल्हार फाइटर, चला फील्डिंग हो दिया, बाकी जो फील्डर उतरा अंपायर येतील, चार ओवरची मॅच